आज अभी मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ एपी चैप्टर का प्रश्नावली 5.1 का 3 नंबर क्वेश्चन। तो यह 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले इसको समझते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सर्व अंतर लिखिए। यानी यहाँ पे 4 एपी दिया हुआ है और इस 4 एपी में से बताना है कि प्रथम पद कितना है और सर्व अंतर कितना है, उसी को लिखना है। तो इस क्वेश्चन में ये जो एपी दिया हुआ है यह ऑलरेडी एपी है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ जितना पूछा है उतना ही जवाब देंगे। इसमें पूछा है प्रथम पद और सर्व अंतर, यह दो चीज़ पूछा है, तो इस दोनों चीज़ को इस क्वेश्चन में बताना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे चलिए इसको बताते हैं। लेकिन बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर ले, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए इसको बताते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए 1 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और यहाँ पर लिखेंगे हल। हल लिख दिए, अब 1 नंबर क्वेश्चन उतारते हैं। यह 1 नंबर क्वेश्चन उतार दिए। अब इसमें पूछा है प्रथम पद और सर्व अंतर, तो प्रथम पद एपी का प्रथम पद ही होगा, यानी एपी जो भी होता है इधर से स्टार्ट होता है, यानी बाएं साइड से दाएं साइड के रास्ते में स्टार्ट होता है। तो इस साइड से चलेंगे तो सबसे प्रथम में जो आएगा वही प्रथम पद कहलाएगा, वही प्रथम पद होगा। तो उसको लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद, और प्रथम पद को ए से सूचित किया जाता है, स्मॉल ए से। तो यहाँ पे लिखेंगे स्मॉल ए भी लिख देंगे ब्रैकेट में, और उसके बाद इस एपी में सबसे प्रथम पद इधर से कौन है तो 3 है, तो इसको यहाँ पे लिख देंगे तो प्रथम पद 3 हो जाएगा। उसके बाद कहा है यहाँ पे सर्व अंतर, तो सर्व अंतर क्या होता है, तो एपी में 2 पदों का अंतर सर्व अंतर कहलाता है। और अभी किस साइड से, तो इस साइड से चलेंगे, और जैसे ये 2 पद लिए तो इस 2 पद का अंतर, तो किधर से, तो अगला पद में से पिछला को घटाएंगे जो आएगा वही सर्व अंतर हो जाएगा, यानी 2 पदों का अंतर सर्व अंतर होगा। तो कहीं से भी ले लेंगे, इस दोनों पद में ले लेंगे चाहे इस दोनों पद में ले लेंगे चाहे इस दोनों पद में लेंगे, कहीं भी लेंगे सर्व अंतर का जो भी वैल्यू होगा वह बराबर होगा। तो कहीं से भी सर्व अंतर हम ले लेंगे, याद रहे कि अगला पद में से पिछले को घटाना है, और लेफ्ट से दाएं साइड में जाएंगे तब, जैसे यहाँ पर लिखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। तो लिखाएगा सर्व अंतर, और सर्व अंतर को स्मॉल डी से स्विच किया जाता है, तो स्मॉल डी भी लिख देंगे। इसका जो वैल्यू निकाला जाता है कैसे निकाला जाता है, तो अगला पद में से पिछला को घटाएंगे, तो इस दोनों में निकालना है सर्व अंतर। तो इसमें जो अगला पद है 1 है, तो 1 में से इस 3 को घटाएंगे, यानी ये जो है यह द्वितीय पद है यानी दूसरा पद है, तो यहाँ पर लिखेंगे A2 माइनस इसके पहले वाला पद जो है प्रथम पद है यानी A1, A2 माइनस A1 लिख देंगे, और A2 का जो वैल्यू है उसको रख देंगे और घटा लेंगे। जैसे A2 कहा है तो A2 का जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 माइनस A1 का वैल्यू यहाँ पर है 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और घटाएंगे। तो 1 में से तो 3 घटेगा नहीं, उल्टा घटेगा, तो उल्टा घटेगा तो माइनस होगा, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो माइनस 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है माइनस वाला वैल्यू जो है ज़्यादा दिख रहा है, तो जिसका ज़्यादा दिखे उसी का चिन्ह होगा। अगर माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिखे तो माइनस का चिन्ह होगा, और प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिखे तो प्लस में होगा। तो यहाँ पर माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो इसलिए यहाँ पर माइनस लिख देंगे। और घटेगा कैसे, तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, तो ज़्यादा 3 है और कम 1 है, तो 3 में से 1 घटा देंगे तो माइनस 2 हो जाएगा। तो इस एपी का जो सर्व अंतर है माइनस 2 है, तो इस एपी का वैल्यू निकल गया यहाँ पर प्रथम पद 3 और यहाँ पर सर्व अंतर 2। अगर इस दोनों के बीच का भी सर्व अंतर निकालेंगे तो माइनस 2 ही आएगा। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो यह जो है कितने स्थान पर है, तो 1, 2, 3, 4, तो एपी का यह 4th पद है, यानी 4th पद में से इसका पिछला पद घटाएंगे। ये पिछला पद क्या है, तो A3 है यानी 3rd पद है, तो A3 लिख देंगे। तो A4 जो है -3 है, माइनस A3 जो है -1 है, तो -1 लिखेंगे। यह जो माइनस है यहाँ वाला है, यह माइनस ये इस वैल्यू का है, तो -3 और ये माइनस गुना होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 का 1 हो जाएगा। फिर -16 में से इसको घटाएंगे, यानी 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या होगा, 2 होगा, और माइनस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो माइनस में, तो इसको घटाने को -2 आएगा। तो यहाँ भी -2 आया कि नहीं, यहाँ भी आया था। तो कहीं भी निकालेंगे अगर वह एपी है
तो वह सार्वअंतर जो है कहीं का भी बराबर होगा। तो इस तरह प्रथम पद और सार्वअंतर निकाल लेंगे। तो इसी तरह दो नंबर का भी निकाल लेंगे, तीन नंबर का भी निकाल लेंगे, चार नंबर का भी निकाल लेंगे। तो इसके बाद अब दो नंबर निकाल देते हैं। तो दो नंबर क्वेश्चन यहाँ पे उतार लेते हैं। तो यह दो नंबर यहाँ पे उतार लिए। अब इसमें भी प्रथम पद और सार्वअंतर बताना है। तो एपी में सबसे फर्स्ट में जो आएगा वह प्रथम पद कहलाएगा। यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद और फर्स्ट में जो है माइनस पाँच है तो माइनस पाँच लिख देंगे। प्रथम पद हो गया। उसके बाद सार्वअंतर निकालना है, लिखेंगे सार्वअंतर, इसको डी से स्विच करते हैं। अब अगला पद में से पिछला घटाना है, यानी ए टू में से ए वन को घटा देंगे। तो ए टू लिख देंगे और ए वन लिख देंगे, ए टू माइनस ए वन लिख दिए। अब ए टू का जो वैल्यू है यहाँ पर है माइनस वन, तो माइनस वन लिख देंगे। फिर यहाँ का माइनस रह जाएगा, फिर ए वन, ए वन का जो वैल्यू है माइनस पाँच है, तो यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में माइनस पाँच। अब इसको लिख लेंगे, ये माइनस वन को माइनस वन रहने देंगे, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुना हो करके प्लस हो जाएगा और पाँच का पाँच हो जाएगा। और ज़्यादा में से कम घटाएंगे, पाँच में से एक घटेगा तो चार आएगा, प्लस वाला का वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है तो प्लस में रहेगा। तो इसका सार्वअंतर जो है चार आएगा, प्लस चार। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद माइनस पाँच हुआ और सार्वअंतर जो है यहाँ पर चार हुआ। तो इसी तरह अब तीसरा क्वेश्चन भी बना लेंगे। अब यहाँ पर यह तीसरा क्वेश्चन उतार देते हैं। अब यह तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर उतार दिया। अब इसमें बताना है प्रथम पद, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद और इसको ए से स्विच करते हैं तो ए लिख देंगे। और इस एपी में सबसे पहले जो है वन बाई थ्री है, तो प्रथम पद वन बाई थ्री हो जाएगा। और इसके बाद सार्वअंतर निकालना है, तो लिखेंगे सार्वअंतर, इसको डी से स्विच करते हैं तो डी लिख देंगे। अब सार्वअंतर क्या करते हैं, इस दोनों के बीच में के निकाल देते हैं। तो क्या करेंगे, इसका अगला पद में से पिछला को घटाएंगे। तो यह जो पद है ए थ्री है, यानी तीसरा पद है, तो यहाँ पे लिखेंगे ए थ्री माइनस, यह दूसरा पद है तो ए टू, ए थ्री माइनस ए टू। अब ए थ्री का वैल्यू है नौ बाई थ्री माइनस ए टू का वैल्यू है पाँच बाई थ्री, पाँच बाई थ्री यहाँ पे लिख देंगे ए टू का वैल्यू। उसके बाद ये थ्री और थ्री का एलसीएम तो थ्री ही होगा, थ्री से थ्री में भाग करेंगे तो वन आएगा और उस वन से नौ में गुणा करेंगे तो नौ होगा, फिर माइनस है तो माइनस, फिर इस थ्री से इस थ्री में भाग करेंगे तो वन आएगा और उस वन से इसके ऊपर पाँच में गुणा करेंगे तो पाँच ही रहेगा। तो नौ में से पाँच घटेगा चार और नीचे तीन का तीन हो जाएगा। तो सार्वअंतर का वैल्यू यहाँ पर हुआ चार बटा तीन। तो इस क्वेश्चन का जो प्रथम पद हुआ वन बाई थ्री हुआ और सार्वअंतर जो हुआ फोर बाई थ्री हुआ। तो इस तरह इसका भी बन गया। अब चार नंबर बनाएंगे, तो चार नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखते हैं। या चार नंबर क्वेश्चन लिख दिए और इस क्वेश्चन में प्रथम पद बताना है, तो प्रथम पद यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद और ए लिख देंगे। और उसके बाद प्रथम पद यानी इस एपी में सबसे फर्स्ट में जो आता है यही है 0.6, तो यहाँ पे लिख देंगे 0.6। तो प्रथम पद हो गया 0.6। अब सार्वअंतर निकालना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर यानी डी। अब क्या करेंगे, अगला पद में से पिछले को घटाएंगे। तो लिख देंगे इसको एक बार, यह दूसरा पद है तो ए टू माइनस, यह पहला पद है ए वन, तो ए वन लिख देंगे। अब ए टू का जो वैल्यू है 1.7 है तो 7 लिख देंगे, और माइनस ए वन जो है 0.6 है तो 0.6 लिख देंगे। अब घटाएंगे 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 आएगा, और डेसिमल का यहाँ पे डेसिमल ही रहेगा, 1 में से फिर 0 घटाएंगे तो 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का सार्वअंतर यहाँ पे आ गया 1.1। तो इस क्वेश्चन में प्रथम पद हो गया 0.6 और सार्वअंतर 1.1। तो इस तरह यह क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। तो यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।